मैंने हार्ट फुलनेस के बारे में काफी कुछ पढ़ा। तो प्रदीप जी, मुझे ये लगा कि हार्ट फुलनेस ध्यान लगाने को, मेडिटेट करने को सिर्फ एक कैजुअल एक्टिविटी नहीं समझता है, समझता है ये एक जीवन जीने की शैली, एक तरीका है जिसको अगर इंसान अपने साथ लेकर चले तो वो अपनी जिंदगी को एक हॉलिस्टिक वे में ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकता है। मुझे एक चीज पूछना है, जब कोई भी मेडिटेट करना शुरू करता है, ध्यान लगाना शुरू करता है, तो ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जो मतलब आपने भी सुनी हो या फिर आपको खुद आई हो? ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपने सही कहा कि ध्यान के पहले सत्र में जो हम बैठते हैं या कभी भी किसी भी पद्धति से कोई भी ध्यान करता है तो सबसे पहले आक्रमण होता है उसके ऊपर आने वाले विचारों का, यानी मन जो है एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। जब मन केंद्रित नहीं हो पाता है तो लोग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं और ये बिल्कुल नहीं करना। कंसंट्रेशन जो है मेडिटेशन का रिजल्ट तो है लेकिन कंसंट्रेशन एक प्रयास नहीं। कंसंट्रेट करके हम जब शुरू करते हैं मेडिटेट करना तो एक तरह का तनाव पैदा हम अपने ऊपर करते हैं, सर भारी हो जाता है, सर दर्द होने लगता है और अगले कुछ ही मिनटों में हम ये छोड़ देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ कई केसेस में हुआ। मुझे याद आती है घटना, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। चंडीगढ़ में मैं एक बार था तो जुडिशियल सर्विसेज में एक बड़े अच्छे ओहदे पे एक थे जस्टिस, सीनियर काउंसिल थे वो। हमारे मित्र क्या, हम लोग का ध्यान सत्र चल रहा था, भाई उन्होंने पूछा आप लोग क्या कर रहे थे, तो हमारे मित्र ने बताया बोले तो यार मैंने बड़ी कोशिश करी, बहुत ट्राई किया लेकिन मैं तो 2-2.5 मिनट से भी कहीं टिक नहीं पाता हूँ। तो उनका आप बैठो ट्राई करो, वही बात आई। तो जब वो बैठे मेरे साथ तो 25 से 30 मिनट का हमारा सत्र बिल्कुल साइलेंटली गया और ध्यान से उठने के बाद उन्होंने कहा कि जो तो पहली बार मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, इसका क्या वजह है। तब मैंने इसकी उनको वो बताई इसकी यूनिकनेस क्या है कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन में एक योगिक ट्रांसमिशन का फ्लो ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमीट किया जाता है। इसका ट्रांसमिशन तो अंग्रेजी शब्द है, इसका सही उच्चारण ये ट्रांसलेशन नहीं है, प्राणाहुति शब्द है संस्कृत का ही। और ये प्राणाहुति प्रकृति की या स्रोत की वह प्राकृतिक ऊर्जा है जिसको कभी ऋषि पतंजलि या बताते हैं कि राजा दशरथ के 72 पीढ़ी पूर्व इसका आविष्कार हुआ था और बीच में एक खो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि रामचंद्र जी जो थे इसके संस्थापक, उन्होंने इसकी खोज करी और इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इन द सेंस कि अब ये फैमिली लाइफ में भी हम इसको कर सकते हैं। नहीं, ध्यान करने के लिए लोग प्रायः कहते थे जंगल में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, फैमिली लाइफ के लिए नहीं है ये। लेकिन उन्होंने इसको साबित किया कि फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को अगर हम बैलेंस करके जिए तो हमारा लाइफ एक ही बिल्कुल हॉलिस्टिक और फ्रूटफुल यूजफुल जीवन हमारा होगा। जैसे पक्षी के 2 पंख हैं, अगर एक पंख से उड़ना चाहे तो वो सफल नहीं होगा, नहीं हो पाता संबंध नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम सिर्फ भौतिक जीवन को अपना लक्ष्य टारगेट मानकर जीते हैं तो कुछ दूर तक तो हम चले, कुछ दूर तक हमें अच्छा भी लगेगा, फिर स्थिति आएगी फेडअप हो जाएगा। ऑन कंट्रारी अगर सिर्फ अध्यात्म और धर्म और इसमें चलेंगे वहां भी स्थिति आएगी। तो इन दोनों को बैलेंस करना लाइक टू विंग्स ऑफ ए बर्ड, और फिर देखिए उड़ान। तो अगर आपका भौतिक जीवन एक स्पिरिचुअल गाइडेड हो, स्पिरिचुअली गाइडेड हो, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभूतपूर्व रूप से अलग होंगे, एक सामान्य और एक गाइडेड वाले। तो जब उन्होंने इस चीज को महसूस भी किया और एक्सेप्ट भी किया तो फिर उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा ठीक है, ये प्राणाहुति की शक्ति थी जिसने मुझे आधे घंटे रोका, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये है इसका, विचारों का आना सबसे बड़ा इसमें बाधा है। और ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि उसको रोकना है, उसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, बिल्कुल नहीं। इस ध्यान की सबसे बड़ी विलक्षण बात यही है कि आपको अनडू की दशा में बैठ जाना है। डू तो मैंने हम सब कुछ करते ही रहते हैं दिन भर, कुछ नहीं करते तो सोचते ही कम से कम, तो वहां पे कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे तो मन तो शांत रहेगा नहीं, वो तो चलेगा ही और आपके अंदर तमाम तरह के विचारें लाएगा। अब यहां इसका एक साइंटिफिक पहलू है, ध्यान हम करते हैं, कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस में जाके ध्यान करने को, जैसे ना माइंड के 3 स्टेजेस माने गए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस लाइफ में हम जी रहे हैं, जैसे ही ध्यान बैठते हैं प्राणाहुति की शक्ति हमें सबकॉन्शियस की तरफ खींचता है, चेतना हमें बाहर की तरफ खींचती है,
इन दोनों की रस्साकस्सी में हम पड़े रहते हैं, अपने आप वहां सरेंडर कर देना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो विचार आ रहे हैं उनको अटेंड नहीं करना है, आने दीजिए, आएंगे, उनके साथ लड़िए मत, उनके साथ बिल्कुल जबरदस्ती मत कीजिए। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल उड़ रहे हैं, अपने आप निकल जाए, उलझना नहीं हो। अगर किसी आती हुई विचार के प्रति आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की तो एक कहानी बनती चली जाएगी, एक स्टोरी बनती चली जाएगी। कुछ थॉट आया तो हम ऐसे रिएक्ट करते, तो हम ऐसे करते, तो वो ऐसे करता, एंड यू फिर आप अपने उस मूल से हट गए। तो ये सबसे बड़ी बाधा होती है, और इसका उपाय यही है कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, वेटिंग स्टेज में अपने आप को सिर्फ एक विचार लेते हुए बैठे। ये बाधा तुरंत दूर नहीं होती है, पेशेंस रखना होता है, और धीरे 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 जैसे जैसे हम इसकी प्रगाढ़ता में जाते हैं, इसके अंदर जब डूबते हैं तो हमें इससे छुटकारा मिलने लगता है, फिर वो अपने आप। आपने जो बात कही प्रदीप जी, ये मुझे तो लगता है कि ये सत्य है, पर इसमें ना एक और क्वेश्चन, अगर मैं एक और पहलू जोड़ू तो वो ये हो जाता है, जैसे आज के युग में लोगों की ना लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट पेस हो गई है, लोग मतलब सबका एक रूटीन हो जाता है कि 7 बजे उठना है, 8 बजे से ये काम करना शुरू कर देना है, वो अपने आप को खुद से बिजी रखना चाहते हैं दिन भर। आप इसका अगर एक एग्जाम्पल भी लूं मैं तो, बच्चे ही होते हैं, किड्स होते हैं, उनको ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आज ये पढ़ाया जाएगा, आज इस चीज की क्लास है, आज इस चीज का टेस्ट है, आज ये एग्जाम है, कल ये टेस्ट है, मुझे अच्छा करना है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, ये सब चीजें, ये सब फैक्टर भी तो उन सब में कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाती है। तो इसीलिए मतलब अगर किसी के दिमाग में इतना कुछ है सोचने को, तब भी तो कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी आती है, तभी तो दैट इज द रीजन कि वो एक समय अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाते हैं। बहुत ये उम्दा सवाल है। दरअसल होता क्या है कि सारा कुछ खेल है माइंड का, मन का जी। नॉर्मल लाइफ में हम वही करते हैं जो हमारा मन हमसे करता है, और हम चर्चा कर रहे हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन पे, तो जैसा आपने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल की है कि हार्टफुलनेस का सब कुछ हार्ट से रिलेटेड, हार्ट और माइंड रेजोनेट जब नहीं होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। हार्ट विल नेवर मिसलीड यू, माइंड में कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, हार्ट का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। आप सोचिए एक मिनट के लिए, कोई भी ऐसा काम जिसको नहीं करना चाहिए था, करते समय मन कहेगा हाँ कर दे, सभी कर रहे हैं तू भी कर दे, हार्ट क्या कहेगा? करना तो नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी। तो जो हमारे आसपास का सरकमफरेंस होता है उसके अधीन हम वो कार्य कर देते हैं, और माइंड की वहां सुनते हैं, हार्ट की नहीं सुनते हैं। तो अगर हम जिस दिन हार्ट की सुनना शुरू कर देंगे, हार्ट बेस्ड हमारी सारी एक्टिविटी होने लगेगी, गाइडेड फ्रॉम हियर, तो देखिए वो धीरे धीरे मन हमारा गुलाम बन जाएगा। इस ध्यान का सबसे बड़ा पर्पज यही है कि मन को नियंत्रित नहीं करना बल्कि नियमित करना। नियंत्रित करेंगे तो बर्स्ट कर जाएगा। मैं साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन ये मुझे आइडिया है कि शायद लाइट की स्पीड 1.75 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या कुछ ऐसा है, समथिंग। जी हाँ, जी। और बताते हैं कि माइंड की से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स। तो क्या किसी में इतनी काबिलियत है कि इतनी तेज गति से चलने वाले इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सके? उसके साथ जबरदस्ती होगी तो बर्स्ट करेगा। हार्टफुलनेस मेडिटेशन आपके उस गति को धीमे धीमे कम करके फोकस करता है, और मन को नियमन कहते हैं, रेगुलेट करना, जैसे पंखे की स्पीड हम रेगुलेट करते हैं ना, 5 से 4, 3, 2, 1 एंड 0, सेम थिंग। इसी फुल स्पीड पंखा है, कुछ नहीं कर सकते। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, माइंड का फोकस्ड न होना, केंद्रित न होना, एक साथ कई विचारों को लेकर चलना, चाहे वो छात्र हो, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, ऑफिसर्स हों, बिजनेसमैन हों, घरेलू गृहिणियां हों, कोई भी वर्ग समाज का जो है, आप आपके सामने एग्जाम्पल है। और आज से ज्यादा नहीं, 2-3 डिकेड पहले हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं थे, तो माइंड थोड़ा हमारा फोकस्ड रहता था, पढ़ाई में बच्चों का मन फोकस्ड रहता था, जॉब में लोगों का मन फोकस्ड रहता था, बिजनेस, अभी ऑप्शन बहुत हो गए, तो उसको हमें धीरे धीरे कम करना है।